सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कमल का फूल आयत में कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस मैं 21 सेंटीमीटर का लंबाई बना लेता हूँ एंड गाइस मैं इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर का बनाऊँगा। तो आपको जितना बोर्ड एग्जाम में पूछे उतना ही सेंटीमीटर का बनाइएगा। तो चलिए इसको बना लेते हैं अच्छी तरह से, देन मैं आपको बताऊँगा कैसे इसमें फूल को ऐड करनी है एंड उसको कैसे पेंट करनी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो गाइस, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग से रिलेटेड या ब्रश या पेंट से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2B पेंसिल का यूज़ किया है फूल को बनाने के लिए एंड मैंने सबसे पहले बीच के पार्ट को ही बनाना स्टार्ट किया है। तो आपको भी कुछ इसी प्रकार से बनाना है। तो गाइस, आपको कमल का फूल बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैंने काफ़ी इजी वे से बताया है कैसे फूल को बनाते हैं एंड कैसे पेंट करते हैं। यहाँ पर गाइस, मैं सबसे पहले ऊपर के पार्ट को ही बनाना स्टार्ट किया है। तो आपको भी कमल का फूल बनाना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए, आप काफ़ी हद तक बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए इसको अच्छी तरह से बनाते हैं। बट वन थिंग गाइस, अगर आप चाहें एक ही बार में सीख जाएँ तो नहीं सीख पाएंगे, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप अच्छी तरह से बनाना सीख पाएंगे, वरना एक दिन में आप अच्छी तरह से बनाना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, कम से कम 1 से 2 घंटे तक प्रैक्टिस कीजिए, आप काफ़ी आसानी से बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं अच्छी तरह से। तो फाइनली गाइस, हमारा कमल का फूल बन चुका है। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे तना को बनाना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको बीच से कुछ इस प्रकार से तना खींच लेनी है एंड साइड से एक पत्ती निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। तो सबसे पहले आपको लो प्रेशर का यूज़ करना है, देन आपको डार्क करना है इसको। तो चलिए इसकी पत्तियों को बना लेते हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी पत्तियाँ बना देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं बड़ा सा पत्तियाँ बनाया हूँ, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो अगर आपको पत्तियाँ बनानी नहीं आती है तो आप केयरफुली वॉच कीजिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए कैसे मैं बनाया हूँ, तो काफ़ी हद तक आप सीख जाएंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। देन गाइस, यहाँ पर मैं एक कली बना दे रहा हूँ, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो फाइनली गाइस, हमारा 1 पार्ट 1 का तैयार चुका है। देन मैं यहाँ पे 2nd पार्ट बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पे भी सेम मैं बनाऊँगा। तो चलिए इसको भी बना लेते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद गाइस, मैं आपको बताऊँगा कैसे इसको पेंट करना है। तो पेंटिंग के लिए काफ़ी मैंने ईजी वे ट्रिक का यूज़ किया है। तो गाइस, सेम मैं इधर भी वैसे ही पत्तियाँ निकाल रहा हूँ, तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। तो फाइनली हमारा कमल का फूल बनकर तैयार चुका है। अब मैं बताऊँगा आपको पेंटिंग कैसे करनी है। तो पेंटिंग के लिए आप देख सकते हैं मैंने कैमल का पेंट यूज़ किया है एंड ब्रश के लिए मैंने 1 नंबर एंड 6 नंबर ब्रश का यूज़ किया है। तो चलिए इसको पेंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले पत्तियों को ही पेंट करनी है, देन आपको फूल को पेंट करना है। तो चलिए इसकी पत्तियों को पेंट कर लेते हैं। तो गाइस, पेंटिंग के लिए यहाँ मैं 2 लेयर का यूज़ करूँगा, 1st लेयर एंड 2nd लेयर। तो ये हमारा 1st लेयर कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस, अगर आपको भी अच्छी तरह से पेंटिंग करना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए एंड सीखने की कोशिश कीजिए कैसे कैसे मैंने पेंट किया है एंड कैसे मैं इसको शेडिंग करूँगा। तो चलिए इधर के पार्ट को भी पेंट कर लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी है, फॉर एग्जांपल पेंटिंग से रिलेटेड या ब्रश या पेंसिल से रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसके बाद आपको छोटी छोटी पत्तियां जो है इसको पेंट करनी है। तो चलिए इसकी छोटी छोटी पत्तियों को भी पेंट कर लेते हैं। देन मैं आपको बताऊँगा कैसे तना को पेंट करना है, किस कलर का यूज़ करना है। तो चलिए पहले इसको हम पेंट कर लेते हैं।
तो फाइनली गाइस हमारा वन लेयर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं सेकेंड लेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके लिए आपको पुनः पेंटिंग करनी है सेम पेंट से। यहाँ देख सकते हैं मैं काफ़ी क्लियरली पेंट कर रहा हूँ एंड स्मूथ दिख रहा है, तो आपको भी कुछ इसी तरह से पेंटिंग करनी है। एंड अगर आप चाहें तो ऊपर से येलो पेंट का यूज कर सकते हैं। तो गाइस तना के लिए मैंने यहाँ पर डार्क ग्रीन पेंट का यूज किया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आपको भी कुछ इसी प्रकार से पेंटिंग का यूज करनी है ताकि आपको क्लियरली दिखे एंड काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं। एंड गाइस फूल को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर रेड पेंट का यूज़ किया है, सिंपली रेड पेंट का यूज़ किया है, कोई भी मिक्स कलर नहीं यूज़ किया है। तो आपको भी कुछ इस प्रकार से यूज करनी है एंड अच्छी तरह से पेंटिंग करनी है। तो चलिए इसको पेंट कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो गाइस काफ़ी लोग कमल का फूल बनाते हैं तो एक साइड का अप हो जाता है एंड एक साइड का डाउन हो जाता है, तो आपको इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, थोड़ा सा अप डाउन होता रहता है, लेकिन अगर आप अच्छी तरह से पेंटिंग कर देते हैं तो वो सब कवर हो जाता है, ठीक है। तो आप अच्छी तरह से पेंटिंग करना सीख लीजिए, बाकी का जो अप डाउन रहता है वो सब मैनेज हो जाता है, ठीक है। बस आपको अच्छी तरह से पेंटिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर गाइस मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ ताकि समय का बचत हो। तो चलिए इसको पेंट करते हैं जल्दी जल्दी। तो फाइनली गाइस हमारा कमल का फूल पेंट होकर तैयार चुका है। बैकग्राउंड पेंटिंग के लिए गाइस मैंने यहाँ पे येलो पेंट का यूज़ किया है एंड 6 नंबर ब्रश का यूज़ किया है। तो चलिए इसको अच्छी तरह से पेंट कर लेते हैं। तो बैकग्राउंड सबसे पहले गाइस आपको ऊपर के साइड से पेंट करना है, नीचे से पेंटिंग नहीं करना है। तो चलिए गाइस इसके बैकग्राउंड को पेंट कर लेते हैं, देन मैं आपको बताऊँगा इसकी आउटलाइन कैसी करनी है। तो चलिए इसको पेंट करते हैं। तो गाइस डीप एरियाज को पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे पतले वाला ब्रश का यूज किया है, तो चलिए इसको भी पेंट कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो फाइनली गाइस हमारा कमल का फूल पेंट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा आउटलाइन कैसे करनी है। तो आउटलाइन करने के लिए मैंने यहाँ पे 0 नंबर ब्रश का यूज किया है एंड ब्लैक पेंट का यूज किया है। तो चलिए इसकी आउटलाइन को भी पूरा कर लेते हैं। एंड गाइस अगर आपको आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछनी हो, फॉर एग्जांपल पेंटिंग से या ब्रश रिलेटेड, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो गाइस यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो चलिए इसको जल्दी से आउटलाइन कर लेते हैं। तो फाइनली गाइस हमारा कमल का फूल बनकर तैयार चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड गाइस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस अगर आप इसको और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो इसमें वाइट कलर का यूज़ कर लीजिए या कुछ इस प्रकार से, जो काफ़ी नेचुरल ब्यूटी देती है ये। तो चलिए इसको भी अच्छी तरह से बना लेते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा कमल का फूल बनकर तैयार चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।